दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नई भर्ती की अपडेट लेके आए हैं। जी दोस्तों, वन विभाग के अंतर्गत फॉरेस्ट गार्ड की बड़ी भर्ती निकली है। वन रक्षी के लिए यहाँ पर बड़ा मौका है, ऑल इंडिया जॉब है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, 21,700 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 4 सितंबर 2020 है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किस कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फिजिकल है, क्या एग्जाम पैटर्न सिलेबस है, कैसे आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भर्ती की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, वन विभाग के अंतर्गत फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकली है। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक की भर्ती है। वन रक्षी के 484 यहाँ पर खाली पद है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। सैलरी 1,700 से 69,400 है। लेवल 3 के अंतर्गत 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। बात अगर आयु सीमा की जाए तो मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष है। मैक्सिमम जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 23 वर्ष है और OBC कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 25 वर्ष है। SC ST के लिए मैक्सिमम 28 वर्ष है। आवेदन शुल्क जनरल या OBC कैंडिडेट्स के लिए 450 रुपये है। SC ST EX सर्विसमैन के लिए 112 रुपये है। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पर। बात अगर फिजिकल की जानकारी की जाए तो आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड, पुरुष अभ्यर्थी के लिए सबसे पहले आप देख सकते हो न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए और अन्य के लिए 165 सेंटीमीटर है। न्यूनतम सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए और अन्य के लिए 81 सेंटीमीटर है। सीना का न्यूनतम फुलाव देख सकते हो आप, 5 सेंटीमीटर का फुलाने के बाद में अंतर होना चाहिए। साथ साथ आप देख सकते हो पैदल चलने की अक्षमता 4 घंटे में 25 किलोमीटर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए है और अन्य के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर, इसी के लिए भी सेम यहाँ पर दिया गया है। महिला अभ्यर्थी के लिए बात की जाए तो न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए है, 160 सेंटीमीटर अन्य के लिए है। पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 14 किलोमीटर कंप्लीट करनी होगी। बात अगर सीने की जाए तो महिलाओं के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। इसी तरह आप यहां से चयन प्रक्रिया पूरी डिटेल्स में पढ़ सकते हो। यहां पर आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस हिंदी में पूरी जानकारी दी गई है, सिलेबस से रिलेटेड जो आप एग्जाम देने से पहले पूरा यहां से रीड कर सकते हो। जी हां दोस्तों, एग्जाम देने से पहले आपको इस सिलेबस पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आप सिंपली एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। साथ साथ दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। CSBC.BH.NIC.IN की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 4 सितंबर 2020 है। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके टेबल के एंड में आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF का लिंक दिया गया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के लिए नोटिफिकेशन यहाँ से जारी किया गया है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार में वन रक्षी फॉरेस्ट गार्ड के रिक्त पदों पर पुरुष और महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 4 सितंबर यानी कि 4/9/2020 है। विज्ञापन संख्या 3/2020 है। 21,700 से 69,400 लेवल 3 के अंतर्गत सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 484 वैकेंसी आप देख सकते हो यहाँ पर, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन इसमें रहने वाली है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको पूरा क्राइटेरिया दिया गया, साथ साथ यहाँ से आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज मेल और फीमेल के लिए चेक कर सकते हो। टेबल में कंप्लीट जानकारी दी गई है। इसी तरह कट ऑफ तिथि, आरक्षण महिलाओं के लिए यहाँ पर प्रावधान दिया गया है, वो भी रीड कर सकते हो। और साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको वन रक्षी पद के लिए यहाँ पर पात्रता पूरी दी गई है। भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है। साथ साथ वन रक्षी की इस पोस्ट के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं क्लास पास या इसके बराबर पास होना अनिवार्य है। साथ साथ आयु की बात की जाए तो कंप्लीट जानकारी दी गई है और फिजिकल से रिलेटेड भी आप यहां से कंप्लीट जानकारी चेक कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए यहां पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ऑनलाइन करने के लिए सभी इंस्ट्रक्शंस आपको रीड करने होंगे।
इनको रीड करने से आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ दोस्तों अप्लाई करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है, इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। साथ साथ दोस्तों हमारे पोर्टल पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी दिया गया है, जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन सेक्शन के अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन की टैब पर क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन की टैब पर क्लिक करोगे तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो सभी इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर हिंदी में दिए गए हैं, आपको ये रीड करने होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ये बॉक्स दिया गया है घोषणा पत्र के लिए, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के टैब पर आपको क्लिक करना होगा। इस टैब पर क्लिक करके आप देख सकते हो यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी, जो कि यहाँ पर पहले से सिलेक्ट हो चुकी है। फॉरेस्ट गार्ड, यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, यहाँ पर आपको सियोर नेम डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होगी, इंडियन सिटीजन, और साथ साथ यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपको यहाँ पर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हो या फिर नहीं, और साथ साथ उसके बाद जैसे स्क्रोल डाउन करोगे तो कंप्लीट जानकारी आपको फिलअप करनी होगी। उसके बाद आपको प्रोसीड करना होगा, प्रोसीड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। इस तरह आप ऑनलाइन अप्लाई रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कर सकते हो। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया तो आपको स्टेप टू फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म की टैब पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो यहां पर रजिस्ट्रेशन का ये ऑनलाइन का ये लॉगिन सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, मोबाइल नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिलअप करने के बाद में सबमिट कर देना होगा। ऐसे आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। साथ साथ व्यू एप्लीकेशन स्टेटस भी आप यहां से चेक कर सकते हो, नोटिफिकेशन आप यहां से भी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। साथ साथ दोस्तों ये कंप्लीट जानकारी ऑनलाइन करने की, और यहां से आप नोटिफिकेशन भी सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।